नमस्कार, इंदू आइडियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ छोटी अमियाँ आम की कैरी। इससे मैं बनाऊँगी आम का पन्ना, जो बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। ये ख़ास तौर से गर्मियों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। ये इसमें कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसे ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों के लिए। और यहाँ देखिए, मैं छिलका उतार के फिर इसका बनाऊँगी पन्ना। और जब आम ये बड़ा हो जाता है, इसमें गुठली अच्छे से हो जाएगा, उस टाइम आप इसको बिना छीले भी छिलका के साथ ही अच्छे से धो के इसको कुकर में उबाल के फिर उसका जो है ना पल्प निकाल सकते हैं हाथों से दबा के, और भी हेल्दी हो जाएगा। और यहाँ अभी ये छोटा है, बीच में इसमें बीज है ना, तो इसको इसलिए अच्छे से छिलका पहले उतार लिए हैं, फिर इस तरह से काट के और फिर इसको कुकर में उबाल के बनाएंगे इसका पन्ना, जो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो ये देखिए किस तरह से बनाएंगे। और इसमें डालेंगे जीरा और ये थोड़ी सी पुदीना। पुदीना थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हैं आप, मेरे पास इतना ही था इसलिए मैं इतना अभी दिखा रही हूँ आपको। अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हैं पुदीना। और यहाँ कुकर में मैं पानी डाल दी हूँ 2 गिलास के करीब, और इसमें ज़्यादा मतलब ये डाल सकते हैं अपने हिसाब से आप आम। मैं इतना डाल दी इसमें, ये देखिए। और एक दो चम्मच छोटा चम्मच से जीरा है और ये पुदीना, और बस ये सारा डाल दिए इसमें पानी में। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, नहीं ऐसे ही थोड़ा सा डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आने के लिए। और ये गल जाएगा, यहाँ पे 2-3 सीटी लगा देंगे फ्लेम लो करके, 2-3 सीटी लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ देखिए ये गल के कितना अच्छा तैयार हो गया है, दिखाती हूँ अभी निकाल के इसमें से। तो इस तरह से बना के देखिएगा आप, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कहा जाता है कि गर्मियों में कहीं धूप में निकलना है तो इसको पी के आप निकलिए, तो गर्मी से होने वाली कई बीमारी से दूर रखता है। ये लू लगने वाली बीमारी बोलते हैं कि हो जाता है गर्मी के कारण, तो वो सब नहीं होता है इसको पीने से। कहीं धूप में निकलने से पहले या धूप से आए हैं तो इस पन्ना को 1 गिलास पी लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ थोड़ा इसमें निकाल के मैं रख दी हूँ ये बाउल में, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाइए। जब ठंडा हो जाएगा फिर मिक्सी के जार में डाल के इसको अच्छा पेस्ट बना लेंगे, है ना। ये देखिए इस तरह से आप पानी अलग करके भी पीस सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा गल चुका है तो इसको पीसने में ज़्यादा वो नहीं लगेगा, और जीरा बहुत ज़्यादा नहीं पीसेगा, तो इसको हम छान के यूज करेंगे। और यहाँ देखिए, है ना, ये पीस गया इस तरह से। अब इसको थोड़ा छन्नी में छान लेते हैं, और ये कई दिनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं इस तरह से बना के फ्रिज में। बाहर आप रखेंगे तो 2 दिन के बाद ख़राब होने लगेगा, तो अंदर आप रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके आराम से 1-2 हफ्ते का आप बना के रख लीजिए और इसको पी जा सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से छान लिए हैं, अब इसको हटा दे रहे हैं, और फिर इसमें क्या क्या मिक्स करके इसका बनाएंगे ड्रिंक तैयार करते हैं। अभी देखिएगा बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाएगा ये। ये देखिए इस तरह से, है ना, और इसको आप बोतल में भर के रख सकते हैं ठंडा करने के बाद आराम से 2-3 हफ्ते इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, और अभी मैं टेबल पे ला के दिखाती हूँ आपको कि इसमें क्या क्या मिक्स करेंगे। और बहुत ज़्यादा ठंडा इसको पीना चाहते हैं आप तो इसमें बर्फ़ जो है ना वो क्यूब्स में डाल सकते हैं, या आप बहुत ही चिल्ड वाटर इसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं अभी ज़्यादा ठंडा नहीं यूज करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी अभी नहीं हुई है, गला ख़राब होने लगता है ठंडा पीने से, तो इसलिए हम लोग नॉर्मल पानी ही डालेंगे। और चीनी मैं यहाँ पे पीस के रखी हूँ, ये चीनी मैं मिक्स करूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं यहाँ 2 चम्मच ये पन्ना डाली, और उसके बाद उसमें 2 चम्मच छोटे चम्मच से मैं चीनी भी डाल दी हूँ। आप चीनी यदि पीस के नहीं चाहते हैं इसमें, तो जब आम उबाले हैं उसी टाइम उसमें भी चीनी आप डाल के इसको पका सकते हैं, और बाद में आपको चीनी नहीं मिलाना होगा, केवल पानी मिक्स कीजिए, और बाकी जो मैं मसाला आगे दिखाऊंगी वो मसाला आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, इसको पहले चीनी को अच्छे से मिक्स कर दिए, और तुरंत घुल गया है क्योंकि पिसा हुआ है। और ऊपर से इसमें थोड़ा सा डालेंगे काला नमक टेस्ट के हिसाब से, और ये है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें डालने के लिए, ये जीरा पाउडर जो मिक्स मसाला मैं बना के रखी हूँ गर्मियों के लिए, तो बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट बना देता है इसका, मतलब जायका एकदम से बदल देगा और हेल्दी तो बना ही देगा। और ये बर्फ़ का थोड़ा सा पानी, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें मिक्स कर दी हल्का, ताकि थोड़ा सा ठंडक आ जाए इसमें, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। आप चाहे तो यहाँ पे आइस क्यूब्स डाल के और इसको
है ना, इंजॉय कर सकते हैं इस तरह से सीपर से। बहुत ही हेल्दी है ये, कई तरह का इसमें जो है ना मिनरल्स विटामिन तो है ही, और स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा है। और गर्मियों के लिए तो ये रामबाण है ना, दवाई है एक तरह से कहिए तो, ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक्स बन के तैयार हो गया है। तो ज़रूर आप भी बनाइएगा और इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। और ये ड्रिंक जो है होली स्पेशल ड्रिंक बन सकता है, गर्मी स्पेशल तो ये है ही, गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ही ये ड्रिंक। अभी आप होली पर भी इसे बना करके लोगों को पिला सकते हैं, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक हो जाएगा और स्वादिष्ट तो है ही, ये बहुत ही जायकेदार बनेगा। ये जो मसाला मैं इसमें डाली हूँ वो मसाला आप ज़रूर लिंक दे दूँगी, चेक कर लीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। इस मसाले को इसमें डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर डालिएगा, तभी ये इसका स्वाद जो है ना कई गुना बढ़ा देगा। और इस तरह से आप स्टोर करके रख दीजिए फ्रिज में, और बने रहिए मेरे चैनल पर। अच्छी लगी है रेसिपी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बहुत सारे भाई बहन लोगों को, दोस्त लोगों को मैं फ्रेंड बनाई हूँ, लेकिन वो लोग मुझे नहीं बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ज़रूर बना लीजिएगा और बने रहिए मेरे चैनल पर, फिर मिलते हैं और नई रेसिपी के साथ।